आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो गाइज, आज हम बात करेंगे वाडीलाल इंडस्ट्रीज के बारे में और वाडीलाल एंटरप्राइजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वाडीलाल आइसक्रीम तो आप सभी को पता होगा और उनका मिल्क वगैरह भी आता है जो एंड आज इन दोनों ही कंपनीज के बारे में मैं एक्चुअली काफ़ी डीपली एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे एक चीज़ बहुत ही अजीब सी लग रही है कि जिस तरह से स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से ये स्टॉक वाडीलाल एंटरप्राइजेज लगभग 950 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और वाडीलाल एंटरप्राइज और जो इंडस्ट्रीज़ है वो लगभग 1100 रुपए का पीक टच करके अब लगभग 530 की रेंज के आसपास चल रहा है। फंडामेंटल्स में मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा एंड देखिए, जब तक कि फंडामेंटल्स में वो चीज़ें नज़र नहीं आए, बिजनेस में वो चीज़ें नज़र नहीं है ना, मैं मानता हूँ कि आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीम्स बनाते हैं ये लोग और स्किम्ड जो मिल्क्स वगैरह है वो इनके प्रोडक्ट्स हैं, बट ये तो बहुत सारी कंपनीज है जो कि बना रही हैं और हर किसी कंपनीज का जो प्राइस है, अगर हम देखेंगे पराग मिल्क एंड फूड की बात करेंगे आप या फिर आप प्रभात डेयरी की बात करेंगे या बहुत सारे ऐसे मिल्क प्रोडक्ट के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो आप उनके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो देखिए कि एक इतना बड़ा मार्केट शेयर होना चाहिए। अगर 1000 रुपये का कोई स्टॉक है तो उसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया होना चाहिए, बट ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं इसके अंदर। तो आज हमने सोचा क्यों ना वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ के बारे में और वाडीलाल एंटरप्राइजेस के बारे में आप सभी को बता दें, क्योंकि महंगे शेयर्स हैं और हम लोग जनरली ख़रीदते हैं ये सोच कर कि अच्छा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उल्टा ही हो जाता है और मुनाफे की जगह हमें नुकसान हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि हमने अच्छे स्टॉक में पैसा लगाया, बड़े स्टॉक में पैसा लगाया, लेकिन वो पैसा डूब गया। बट दोस्तों याद रखिए कि ये मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना, इसके प्रोसेस को समझना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज आपस में ही प्राइस को अप्स एंड डाउन करते हैं, यानी कि दो कंपनियाँ, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी है सपोज कीजिए, और जो शेयर कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों की ओनरशिप सेम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, साथ ही दोनों कंपनीज एक हैं, तो अगर प्राइस को कभी मैनिपुलेट करना है तो दोनों कंपनीज कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करती हैं कि कंपनी ए हायर प्राइस में कंपनी बी को शेयर्स बेचती है और कंपनी बी हायर प्राइस पे अगेन कंपनी ए को शेयर बेचती है, तो इस हिसाब से प्राइसेस ऊपर चलते चले जाते हैं कि ए ने बी को हायर प्राइस पे बेचा, फिर बी ने ए और फिर ए ने वापस बी से हायर प्राइस पे खरीद दिया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज़ कंपनी ए का एक स्टॉक 100 रुपए का है और कंपनी बी भी सेम किया, तो कंपनी ए कंपनी बी को 150 रुपए में वही स्टॉक बेचती है और कंपनी बी अगेन 200 रुपए के अंदर वही सेम स्टॉक कंपनी ए को वापस बेच देती है, फिर कंपनी ए कंपनी बी को 250 में बेचती है, फिर कंपनी बी कंपनी ए को 300 में बेचती है, फिर कंपनी ए कंपनी बी को 350 में, देन 400 में। इस तरह से दोनों ही लोग हैं तो एक ही बिजनेस की एक ही कंपनी है, लेकिन वो अपनी दोनों ही कंपनीज का फ़ायदा उठाकर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं मैनिपुलेट करके, और ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा वाडीलाल इंडस्ट्री ये कर रही है, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्राइस को कैसे ऊपर लेके जाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि फ़िलहाल कैसे प्राइस मैनिपुलेटेड हो रहा है, किस तरह से प्राइस इतना क्यों हाई है, तो इसके कुछ फंडामेंटल हम लोग चेक कर रहे थे, जहाँ पर मैं आपको स्पेशली मैं भी आपको चाहूँगा कि आप लोग भी फंडामेंटल्स को यहाँ देखिएगा ज़रूर। एंड ये वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ है, आप देखेंगे इसके जो लगभग 65% स्टेक जो है वो ओनरशिप जो है वो प्रमोटर्स के पास है, जबकि जो पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो केवल 0.34 है एंड जो पब्लिक होल्डिंग है जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लगभग 26.72% का स्टेक ओन करते हैं वो लोग और 8.22 एनी अदर्स के पास है। ये तो हो गया शेयर होल्डिंग की बात। अब उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल्स की, ठीक है, शेयर होल्डिंग में हम लोग आगे बात करेंगे प्रोमोटर्स वगैरह के बारे में। एंड शेयर होल्डिंग की बात अगर आती है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगभग 124 करोड़ के आसपास का है एंड कंपनी की जो नेटवर्थ है लगभग 173 करोड़, यानी कि 1000 रुपये का स्टॉक उसकी जो नेटवर्थ है वो 173 करोड़ के आसपास की है, रिजर्व 165 करोड़ के आसपास का है, इन्वेस्टमेंट लगभग 2-3 करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट है एंड जो टोटल एसेट है कंपनी की वो 297 की है, बुक वैल्यू लगभग 240 के आसपास की स्टॉक की बुक वैल्यू है वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ की।
ठीक है, जो कि हम 2018 के मार्च 2018 के अब तक बात कर रहे हैं। एंड ईयरली नंबर्स की बात करेंगे अगर हम लोग, तो मार्च 18 में जो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर था वो 518 करोड़ था, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्शन की शेयर मुझे लगता है कि लिमिटेड रीजन के अंदर है, बहुत ज़्यादा दायरे में नहीं फैला इनका बिजनेस, और इसीलिए जो सेल्स है वो काफ़ी कम है। एंड 518 करोड़ की सेल है इनकी, जो कि लगातार बढ़ रही है पिछले 5 साल में, स्लोली स्लोली ग्रो कर रही है। एंड प्रॉफिट जो है इनका PBT लगभग 22 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल लगभग 26.5 करोड़ था, तो इस बार घट गया है। हालांकि 2014 में केवल 2 से 2.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था कंपनी का, जो कि अब 22 करोड़ पहुंच चुका है। सो फ्यूचर अच्छा है, जिस तरह से अगर ग्रोथ चल रही है, अगर ऐसी ग्रोथ चलती रहेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाएंगे। एंड बेसिक EPS 20.65 का है, जबकि 2014 में केवल 1.98 का था। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग 14.85 के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे एनुअली, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करेंगे, देन कंपनी अच्छा ग्रो परफॉर्म अच्छा कर रही है। बट द इशू इज दैट कि जो प्राइस है, आप देखेंगे स्टॉक में, अभी बताता हूँ मैं आपको प्राइस क्या रहा। जून 18 में कंपनी का 213 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब सेल घटी, जबकि जून 17 में 230 करोड़ के आसपास की सेल थी, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो जहाँ जून में 35.33 करोड़ का टोटल, यहाँ जी हाँ, जून 17 में जहाँ 35.33 करोड़ की टोटल सेल थी, वहीं प्रॉफिट था, वहीं जून 18 में 45 करोड़ के आसपास हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जून 17 में इनके जो अदर एक्सपेंसेस थे वो लगभग 45.5 करोड़ थे, और जून 18 में इनके जो अदर एक्सपेंसेस थे वो 34 करोड़ थे, यानी कि लगभग 11 करोड़ का जो अदर एक्सपेंसेस था वो इस बार कम हुआ है, और इसीलिए वो प्रॉफिट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें, सेम 11 करोड़। अदरवाइज जो लास्ट ईयर 35 करोड़ का प्रॉफिट था जून में, वही लगभग ऑलवेज लमसम उतना ही 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। बट इंक्रीज़ कैसे कर लिया इन्होंने? अदर एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके प्रॉफिट इंक्रीज़ कर लिया इन्होंने इस बार, ठीक है। एंड जो नेट प्रॉफिट देखेंगे, लगभग पिछले 22 करोड़ के आसपास का था 23 करोड़, इस बार 28.86 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। बेसिक EPS 31.96 से बढ़कर 40 के आसपास बेसिक EPS पहुंच गई है। तो ये बड़ीलाल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ों को, यहाँ पर स्टॉक लगभग 1100 रुपये का हाई टच किया था स्टॉक ने, और 1100 रुपये के हाई में आप देख सकते हैं केवल मार्केट कैप जो स्टॉक है किया, वो माइक्रो कैप का स्टॉक है, 360 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड PE जो है लगभग 15.57 की है, प्राइस टू बुक लगभग 3.59 के आसपास है, एंड जो डिलीवरेबल्स है 46% के आसपास है, एंड फेस वैल्यू जो है वो 10 की है, ओके। और 10 की फेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम स्टॉक का प्राइस 1100 रुपये देखते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी का, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता था। हालांकि अब प्राइस हाफ रह गया है, और 481 का इसने लो टच किया, और मुझे लगता है स्टिल अभी और ज़्यादा गिरावट हमें बॉडीलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो गाइज आप लोग थोड़ा सा इस बॉडीलर इंडस्ट्री और बॉडीलर एंटरप्राइज़ के स्टॉक पर नज़र बनाइएगा, और आप अभी बचिएगा खरीदने थे इन दोनों ही स्टॉक को। मैं यही कहूँगा कि अभी बॉडीलर इंडस्ट्री में खरीदने तो बचिएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पीछे LT फूड्स दावत में आप देख सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग की वो भी कंपनी थी, क्वालिटी का आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ। तो पता नहीं होता कि इंटरनली सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और वेबसाइट के थ्रू दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग व्यू के थ्रू देखेंगे तो जो बॉडीलाल जो आइसक्रीम जो इंडस्ट्री है वो कहते हैं बॉडीलाल इंडस्ट्री लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैनुफैक्चरिंग आइसक्रीम एंड द फ्लेवर्ड मिल्क एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स सच एज द कैंड पल्प। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूडेड द आइसक्रीम, प्रोसेस्ड फूड एंड द अदर्स। द कंपनी थ्रू आइसक्रीम सेगमेंट ऑफर्स आइसक्रीम एंड द फ्रोजन डिजर्ट। थ्रू प्रोसेस्ड फूड सेगमेंट इट ऑफर्स मैंगो पल्प, फ्रोजन फ्रूट पल्प, वेजिटेबल एंड द रेडी टू ईट सब फूड्स। थ्रू अदर सेगमेंट्स इट इज एंगेज इन द फॉरेक्स मैनेजमेंट, मनी चेंजिंग एंड द कोल्ड स्टोरेज। द कंपनी हैज़ 2 आइसक्रीम प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वन एट द पुंधारा इन द गांधीनगर गुजरात एंड द अदर इन द बरेली उत्तर प्रदेश। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग फ्रोजन फूड वेजिटेबल्स एंड द प्रोसेस्ड फूड एट द फैक्ट्री सिचुएटेड एट द धर्मपुर वलसाड गुजरात। इट एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट टू द वेरियस कंट्रीज। इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन द मिल्क सेगमेंट अंडर द ब्रांड नेम पावरशिप। इट ऑफर्स पावरशिप इन अ रेंज ऑफ फ्लेवर्ड सच एज केसर, इलायची, रोज एंड द बादाम।
ठीक है, कंपटीशन तगड़ा पावर फ्लेवर्ड मिल्क पे, हम सभी जानते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं फ्लेवर्ड मिल्क के लिए, जिसमें कि क्वालिटी भी है, पराग भी है, यू नो, ठीक है, अमूल के साथ इनका कंपटीशन है, मदर डेरी के साथ कंपटीशन है, सो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज। अब तो मदर डेरी हालांकि लिस्टेड कंपनी नहीं है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, बट वो भी अपनी ब्रांचेस खोल रहा है, मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में खोल रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, एक नया कंपनी कानपुर बेस्ड है जिसको नमस्ते इंडिया बोलते हैं, वो भी अपने पैर पसार रहा है, दिल्ली तक उसकी अप्रोच आ चुकी है, हालांकि वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट कंपटीशन तो मार्केट में है ही। ठीक है, एंड यहां पर आप देखेंगे ये टेक्निकली सेल की कॉल दी गई है, जहां पर 14-14 सेल की कॉल कहते हैं और डेली चार्ट है ये, एंड 10 न्यूट्रल्स हैं और 2 बाय की कॉल दे रहे हैं। अगर हम शो मोर करते हैं तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर 14 सेल कॉल है, यानी कि जो अगर मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर, टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पर अगर बात की जाती है, तो ऑक्सीलेटर्स के थ्रू न्यूट्रल है वो, ना तो बाई बोल रहा है ना सेल बोल रहा है, एंड मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट सभी 10 डेज 20 डेज 30 डेज 50 डेज 100 डेज 200 डेज इचिमोकू क्लाउड बेस लाइन न्यूट्रल बता रही है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 20 डेज एंड होल मूविंग एवरेज 9 डेज, ये सभी सेल की कॉल दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर ऑन द यू नो जो वाडीलाल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर। तो ये वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ की बात हो गई। अब बात आती है वाडीलाल एंटरप्राइज, 950 का प्राइस चल रहा है अभी इसका, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, आप देख सकते हैं बाय कोई भी नहीं रिकमेंड कर रहा है, 8 की न्यूट्रल कॉल है और 18 की सेल कॉल है, स्ट्रॉन्ग सेल कॉल, ये क्या करते हैं। और आप एक बात देखेंगे कि वाडीलाल जो आइसक्रीम है इंडस्ट्री है, इसमें लगभग 685 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं आपको जस्ट अ मोमेंट, 676 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर हम आपको एक फुल फीचर चार्ट भी खुल के जरूर दिखा देंगे, जिसमें आपको चार्ट का भी एक आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग इसको वीडियो को मतलब ये मत सोचिएगा लंबा, ये आप ही लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, एक जस्ट हम आपके सामने ही एक बार एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्राइस लेवल्स हो सकते हैं अपकमिंग दिनों में। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली मेरा जो शेर खान का इस वक्त नहीं चल रहा है, बिकॉज सैटरडे और संडे नाइट में शेर खान का मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से हम रात में ट्रेड टाइगर को यूज़ नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गिरावट आई है वो हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, और ये यहाँ पे वॉल्यूम्स एकदम से देखिए पीछे, अगर हम देखेंगे कि पीछे काफ़ी लो वॉल्यूम्स रहे हैं, उसके बाद देखो सडन वॉल्यूम आई है लगभग 20 अगस्त के आसपास। ठीक है, और सडन वॉल्यूम आने के बाद इसमें गिरावट आई, अभी यहाँ तक गिरावट का दौर है, और अगर स्टॉक का प्राइस लगभग 460 के नीचे चला गया देन और वीकनेस आएगी स्टॉक के अंदर। सो फिलहाल मैं यही कहूँगा आपसे, अभी आप इस स्टॉक से बच के रहिएगा, क्योंकि आपका पैसा बहुत वैल्यूएबल है, अगर गलत जगह पैसा लग गया एक बार और फिर उसमें से फिर आप निकल नहीं पाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से DHFL या येस बैंक में गिरावट है, बट उसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं तो रिकवरी के चांसेस है, लेकिन अगर गलत स्टॉक में गलत फंडामेंटल्स या यू नो अनसर्टेनिटी के चलते कहीं पर आपने ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहाँ पर अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है, तो मुश्किल हो जाता है उसकी रिकवरी का होना। ठीक है, तो मैं अभी वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ में यही कहूँगा कि अभी आप लोग बच के रहिएगा, क्योंकि जो स्टॉक 1100 से गिरता, और ये आप मैं भी बता दूँ को 1100 रुपये कब था ये स्टॉक, 6 सितंबर 2017 को 1100 रुपये के आसपास का ये स्टॉक था, 1115 का, और उसके बाद से एक साल के अंदर ये स्टॉक जस्ट हाफ हो गया। तो जो स्टॉक 1100 रुपये से घट के 531 रुपये आ सकता है, और इतने बोर्ड फंडामेंटल्स भी नहीं है कि हम कहें कि बहुत बोर्ड फंडामेंटल है, तो आगे भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं तकरीबन आप लोग मार्च फाइनेंशियल तक वेट कीजिए इस स्टॉक में भी, उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्च 19 में किस तरह के नंबर से पोस्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वाडीलाल एंटरप्राइजेस के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और मुझे थोड़ी सी चकित करती हैं, वो ये करती हैं कि आप देखेंगे इनका 15 करोड़ का डेटा नेटवर्थ इनकी केवल 4 करोड़ के आसपास की है, केवल 4 करोड़ की नेटवर्थ है, शेयर कैपिटल 86 लाख की है, रिजर्व 3 करोड़ के आसपास है, इन्वेस्टमेंट इनका कोई नहीं है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, नेट करंट एसेट इसका माइनस में चल रहा है,
ठीक है, बुक वैल्यू इनकी 46 के आसपास है, यानी कि अगर बुक वैल्यू के हिसाब से हम बात करते हैं तो इनका जो पीवी रेशियो है वो 20 टाइम्स है, यानी कि इनकी जो बुक्स में वैल्यू है वो 46.67 रुपये है, जबकि प्राइस टू बुक है 20.36, यानी कि 20 गुना ज़्यादा प्राइस इस समय करंट प्राइस चल रहा है, जो कि काफ़ी मुझे ओवर वैल्यूड लगता है। और स्टॉक में देखिए, आप देखेंगे कि 5% का लोअर सर्किट मारा था, वॉल्यूम बहुत कम है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लो वॉल्यूम के साथ स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर आप निकलना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए निकलना, एग्जिट करना, क्योंकि वॉल्यूम ही ट्रेड नहीं हो रहा है। जो मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आप देख सकते हैं फ्राइडे को केवल 16 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। अब ये सभी चीज़ें इतना कन्फ्यूज़ करती हैं कि एक स्टॉक जिसके अंदर केवल 16 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, 1000 रुपये के रेंज में वो ट्रेड कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग का स्टॉक है, क्या हमें लेना चाहिए या हमारे साथ कुछ गेम हो सकता है, हम कितनी बड़े नुकसान की तरफ बढ़ सकते हैं। 10 रुपये आप इसकी फेस वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% के डिलीवरेबल्स भी दिखा रहा है, और ऑब्वियसली दिखाएगा जब केवल मात्र 16 शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, तो अगर 100% डिलीवरी दिखा रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। साथ ही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप इसमें लगभग 52% के आसपास, 51.5% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जबकि 43% जो है वो पब्लिक होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स की, यानी कि हमारी आपकी। एंड टॉप पब्लिक शेयर होल्डर्स में अगर हम देखेंगे सो लेट्स सी, 3 लोगों की होल्डिंग है जो कि दिखाई गई है, वो भी छोटी छोटी, 1%, 3% और 1%। जावेरी फिजिकल सर्विसेज, संजीव धीरेश भाई शाह एंड मुंशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 लोग हैं जिनकी पब्लिक होल्डिंग्स हैं। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो गाइस ओल्ड फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर डेट के बारे में हम लोग आपको बताते हैं। कंपनी के ऊपर लगभग 15 करोड़ का डेट है, 3 करोड़ की नेटवर्थ है, ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो ईयरली नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, 550 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, बाडिला एंटरप्राइजेस का, और प्रॉफिट कंपनी को केवल 22 लाख का है, इवन नेट प्रॉफिट कंपनी को केवल 15 लाख का, यानी कि 15 लाख के प्रॉफिट की कंपनी का शेयर 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्या आपको ये जेन्यून लगता है? मुझे एटलीस्ट ये फंडामेंटल वैलिड नहीं लगते, मुझे इन फंडामेंटल के बेसिस पर इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये बहुत 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 और बहुत महंगा लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, समझाने के लिए कि देखिए, आप अपने पैसों को जब भी निवेश करें तो फंडामेंटल्स का जरूर चेक करें, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और सेंटिमेंटल ग्राउंड पर अगर वीकनेस आ भी जाती है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जैसे ही वो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, बनेंगे, तो चूंकि फंडामेंटल अच्छे हैं तो स्टॉक जल्दी रिकवर कर जाएगा। यस बैंक है, DHFL है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, फंडामेंटल बहुत शानदार है। सेंटिमेंटल वीकनेस आई फ्राइडे को, लेकिन हो सकता है कुछ दिन वो नीचे चली, लेकिन जैसे जैसे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बनेंगे, चूँकि फंडामेंटल स्टॉक है, तो वापस जो प्राइस है वो अचीव हो जाएंगे सभी स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर 15 लाख EPS इनका, 1.72 का EPS है केवल। क्वार्टरली नंबर की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर क्वार्टरली नंबर में केवल 257 करोड़ का इनका जून में सेल्स रहा है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो 7 करोड़ का रहा, यानी कि पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बूस्टअप किया है इस स्टॉक का, 2.59 करोड़ से बढ़ के 7.33 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है जून में, और 21 लाख का जो है था मार्च में रहा था। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून में चूँकि गर्मी अच्छी पड़ी थी, सेल अच्छी हुई थी, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह की, तो जिसकी वजह से एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है, ठीक। तो ये तो रही प्रॉफिट की बात कि जून क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीज़ किया, बट बहुत ही ज़्यादा इनका जो प्राइस है, वैल्यूएशन मुझे लगता है कि, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी तो रखिएगा, अभी मत खरीदिएगा बाडिला एंटरप्राइजेस को और बाडिलाल इंडस्ट्रीज़ दोनों ही शेयर्स को, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है दोनों के अंदर। आप अगर देखेंगे तो NSE के अंदर केवल 34,000 शेयर्स का ट्रेडिंग हुई है, और बाडिलाल एंटरप्राइजेस में चूँकि वो BSE में ही ट्रेड होता है तो केवल 16 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। तो ये अभी चूँकि लो वॉल्यूम प्राइस का स्टॉक है, तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने की, तो अभी बाडिलाल एंटरप्राइज और बाडिलाल इंडस्ट्रीज से आप लोग बच के रहिएगा। ये एक सावधान अलर्ट वीडियो था आप सभी के लिए, और आपको अगर ख़रीदने हैं तो और बहुत सारे 6 स्टॉक्स हैं,
जो फंडामेंटल के बेसिस पर अगर आप खरीदते हैं, फंडामेंटल ग्राउंड पर अगर खरीदते हैं, तो अगर वो कभी नीचे जाते भी हैं तो स्ट्रांग फंडामेंटल होने की वजह से जब मार्केट रिकवर करेगा, जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे, तो आपको जल्दी रिकवरी देगा और प्रॉफिट में लेके जाएगा। सो खैर, ये हमने बात की बाड़ीलाल आइसक्रीम के बारे में, और रेस्ट आप लोग समझदार हैं, अपनी एनालिसिस कीजिएगा प्रॉपरली, आप इसके बारे में जांचिएगा, परखिएगा कि क्यों इतना डिफरेंस है प्राइस में और फंडामेंटल्स के अंदर, क्या ऐसा रीज़न है, उसके बाद ही आप निवेश कीजिएगा और अपने पैसे को सूझबूझ के समझदारी से बहुत ही डाइवर्सिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस ये एक छोटा सा एक समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक डिस्कशन टाइप का वीडियो तैयार किया था जहाँ पर हमने आपको चीज़ें दिखाई थी। ना तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप बाड़ीलाल इंडस्ट्री को खरीदिएगा, ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप बेचिएगा। आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बाड़ीलाल इंडस्ट्री में आपको पैसा बना सकते हैं आप, आपकी एनालिसिस पूरी परफेक्ट बैठ जाती है, देन डेफिनेटली आप अपने एनालिसिस के साथ जा सकते हैं। बट एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद ही निवेश के बारे में सोचिएगा, प्लान कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जल्दी ही कुछ और स्टॉक्स के बारे में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बाड़ीलाल इंडस्ट्रीज़ एंड बाड़ीलाल आइसक्रीम को वॉच लिस्ट में रखिएगा और देखिएगा किस तरह का मोमेंटम आ रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल जाए इन दोनों ही स्टॉक से। सो गाइस, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने पैसे का ध्यान रखिए, और जो भी डिसीजन लें, जो भी निर्णय करें, बहुत सोच समझ के और समझदारी से लीजिए। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।